जा भाई जा। लगता है दोनों साइड से पड़ेगा। पड़ेगी तेरे को स्मोक में। 1 2 बैक हिट सन। आयो आयो अरे सारे सारे जा रहे भाई। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था भाई? छत के ऊपर भी स्मोक कर रखा है बंदों ने। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यार ओहो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं गॉड क्लेन के निब्बे बालक गॉड एटी के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, और चोर चोरी करते हुए पकड़े जाने वाला होता है तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, वो कैसे भी करके बच जाए, चाहे उसके लिए उसे सामने वाले को मारना ही क्यों ना पड़े। तो गाइस ऐसी कुछ सोचती है हमारे गॉड एटी की, जब वो एक कॉम्पिटेटिव मैच खेल रहे होते हैं और उस मैच में वो कॉम्फी यूज करते हुए पकड़े जाते हैं। और फिर कुछ एक्सपोजर ने गॉड एटी को एक्सपोज किया यूट्यूब के ऊपर कि गॉड एटी कॉन्फी यूजर है, तो गॉड एटी उन एक्सपोजर्स को स्ट्राइक देने की धमकी देने लग जाते हैं। ये जो जो वीडियो बना रहे हैं तुम पर उनका कुछ करो। हाँ मैं मैनेजमेंट से पहले परमिशन ले लूँगा कि भाई वो अनाउंसमेंट डालने वाले हैं कि हमने जो टूर्नामेंट कराया था उसमें 80 मतलब फाइल चेक किया था, 80 का कुछ नहीं पकड़ा गया, ये वो ब्ला ब्ला हमसे गलती हुई थी, ये अनाउंसमेंट डालने में ये वो। फिर उसके बाद मैं उससे परमिशन लूँगा कि अब आप मुझे परमिशन दे दो कि जिसने मेरी वीडियो यूज़ की है मैं उनको ये कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकूँ। क्या बोला तूने? जिसने मेरी वीडियो यूज़ की है मैं उनको ये कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुनी लिया, गॉड एटी स्ट्राइक की बात तो कर ही रहे हैं और साथ में ये बात भी बोल रहे हैं कि जिस मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट कराया था वो लोग ये अनाउंस करने वाले हैं कि गॉड एटी का कुछ भी पकड़ा नहीं गया है और गॉड एटी कॉन्फ्यूजर नहीं है। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं गॉड एटी जिस मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट की बातें कर रहे थे उनका क्या डिसीजन आता है, चाहे तो आप भी पॉज करके देख सकते हैं। तो क्यों गॉड एटी भैया स्ट्राइक नहीं दिया अपने? अच्छा मैनेजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद आपका हाल तो कुत्ते की उस कू की तरह है जो कि ना लीपने का ना पोतने का। और अब गाइस मैं गॉड क्लेन के अनबॉक्स सपोर्टर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस दिन पबजी लाइट का कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट आया उसमें गॉड क्लेन को एक ट्रायल मैच भी नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि वहां इनकी काली शक्तियां मतलब की पेड कॉन्फिग यूज करना अलाउ नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे गाइस पबजी मोबाइल लाइट ऑफिशियल टूर्नामेंट की तो बात ही दूर, ये कॉन्फ्यूजर क्लेन मेरा मतलब कि ये गॉड क्लेन मेंबर अब तो कॉम्पिटेटिव मैच या टूर्नामेंट से भी मुंह छुपाने लगे हैं, क्योंकि उसमें भी पीओवी मांगे जाने पर इस गॉड क्लेन के कॉन्फ्लिक के पिटारे पकड़े जाते हैं। तो गाइस मैं पबजी लाइट की मासूम जनता से अनुरोध करता हूँ कि इन कॉन्फी यूजर मतलब कि इन गॉड क्लेन मेंबर्स को सपोर्ट करना बंद करें। और आपको सपोर्ट करना ही है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो वाकई में अच्छा खेलते हो, ना कि गॉड क्लेन की तरह कॉन्फिग लगा के अपनी लाइव स्ट्रीम पे आपको बेवकूफ बनाते हो। सही बात बोले भैया। तो गाइस आज की वीडियो में लेते हैं आप लोगों से यहीं पे अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को खड़ के झोपड़ी में ले जाना, या फिर कॉन्फी यूजर्स को वो आप लोग देख लो यार, मुझे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए। बोरे बोरे गाल मेरी जाति का मौसम छोड़ दे तू नारा नहीं।